सच साहस सरोकार। आज उत्तराखंड के खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में चुनावी रैलियां करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। यूपी के 55 सीटों पर आज थमेगा प्रचार, उत्तराखंड और गोवा में भी आज प्रचार का आखिरी दिन, दिग्गज लगा रहे दम। यूपी में सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल, अब नहीं चलेगी ऑनलाइन क्लासेस। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की बेल को लेकर शिवपाल यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। मालेगांव समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन, आज लुधियाना में निकलेगी हिजाब मार्च। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान से पहले शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आखिरी दिन तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जोर लगाएंगी। इसके लिए तमाम सियासी सूरमा आज अपने पार्टी प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सत्तारूढ़ दल भाजपा की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में होंगे। कांग्रेस प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं अलवी समाज के लोगों ने बेड़पुर में कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। साथ ही लोगों ने भारी मतों से जीत दिलाने का विधायक से वादा किया। इस दौरान फुरकान अहमद ने कहा कि इस निकम्मी सरकार से जनता परेशान हो चुकी है और भाजपा सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि बचे हुए विकास कार्यों को गति दी जाएगी। ज्वालापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने विधानसभा के गांव बुग्गावाला, बुधवा शहीद और तेलपुरा में डोर टू डोर वोट मांगे और क्षेत्रवासियों से अपील की कि आने वाली 14 फरवरी को कमल खिलाने का काम करें। भाजपा का 60 पार का नारा अब की बार विधानसभा ज्वालापुर में पूरा होगा। भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने कहा कि जो मेरे 3 प्रोजेक्ट अधूरे हैं वो इस बार पूरे हो जाएंगे। समर्थन दिया है और ये क्षत्रिय समाज देश और दुनिया में माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में इनकी गहरी पहचान प्रकट की, तो मैं अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ और भारत माता का गुणगान करता हूँ, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो अपने क्षत्रिय समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया उसका हमारे गौरव के रूप में जाना जाता है। हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विधायक जी के साथ थे सुरेश राठौड़ जी के, आने वाले 5 साल अब भी काम भी करवाएंगे, सबका साथ सबका विकास, काम बहुत होया है। माननीय सुरेश राठौड़ जी जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ लगे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास, कोई जाति बहुत का कोई मामला नहीं है, समझिए। हमारे घर सम्मान ऐसे है जैसे घर के परिवार के लोग हैं। सुरेश राठौड़ जी बहुत काम करवाया हमारी विधानसभा में, बहुत काम हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ, और अब क्या इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जहाँ जहाँ हमारा काफिला जाता है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा संगठन हमें भेज रहा है, वहाँ वहाँ से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, सभी समाज का समर्थन मिल रहा है और सभी कार्यकर्ता बहुत पुरजोश होकर कार्य कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आने वाला जो 14 तारीख है उसमें पता चल जाएगा कि हमारा वोट कितना है, हमें कितना वोट मिल रहा है और जो ये समाज हमारे विकास के कार्यों को देख के, हमारे मोदी जी की नीतियों को देख के हमारी ओर आकर्षित हो रहा है और विधायक सुरेश राठौर के पक्ष में खड़ा हो रहा है और विधायक सुरेश राठौर को मजबूत बनाने के लिए तन मन धन से पूरी विधानसभा के लोग, हर समाज के लोग। उत्तराखंड में रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 510 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 1348 मरीज ठीक हुए हैं और 6697 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 87,787 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 18,552 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान के तहत विकास नगर बाजार में मुन्ना सिंह चौहान ने जनसंपर्क कर व्यापारियों से अपने पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं बाजार में जनसंपर्क के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई, लेकिन आपसी समझदारी से सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। चुनाव के अंतिम दौर में भाजपा कांग्रेस ने पूरी तरह से प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज लालकुआ पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई दौरा करते हुए लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के लिए जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता हरीश रावत है। पूरे उत्तराखंड में वो जगह जगह भागते फिर रहे हैं। भ्रष्टाचारी कोई है तो उनका नाम है हरीश रावत, है कि नहीं? अच्छा, ये वंशवादी आदमी है, इनको कुछ दिखाई नहीं देता अपने परिवार के अलावा। बाप चुनाव लड़ रहे, बेटी भी लड़ रही है, पत्नी भी लड़ चुकी, बेटा भी लड़ चुका, और यहाँ एक बहन का और हक मार दिया। 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित पोलिंग बूथों के लिए 18 पोलिंग पार्टियां आज जिला मुख्यालय से रवाना हो गई हैं। ये सभी पोलिंग पार्टियां अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगी। ये सभी दूरस्थ पोलिंग क्षेत्र विधानसभा धारचूला के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे दूरस्थ पोलिंग स्टेशन मनस्यान तहसील का नामिक है, जहां पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को लगभग 175 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जिसमें 25 किलोमीटर की दूरी पैदल चलना पड़ेगा। और इन 18 पोलिंग स्टेशनों में अधिकतर वो इलाके शामिल हैं जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं और इन दिनों बर्फबारी से प्रभावित भी हैं। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि पोलिंग स्टेशनों तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियों को भी इन इलाकों में रहने के लिए स्लीपिंग बैग के साथ ही गर्म कपड़े भी मुहैया कराए गए हैं। P-3 पे आज हमारी 18 पार्टीज जा रही हैं, ये सारी धारचूला विधानसभा क्षेत्र की। इसमें जिसे कहा जाएगा सबसे दूरी पे स्थित हमारा जो बूथ है वो कनार और नामिक है, और इन पार्टियों के रुकने की जो अरेंजमेंट्स हैं वो सरकारी बिल्डिंग्स में किए गए नोटिफाइड एरियाज में, और उस संबंध में संबंधित प्रत्याशियों को सूचना भी दी गई है। और इन पार्टियों के साथ में एक फार्मासिस्ट भी भेजा जा रहा है जो कि लगातार ध्यान रखेगा स्वास्थ्य संबंधी उनका, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करते हुए हम लोग वोटिंग करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इनको सैटेलाइट फोन्स और आपदा से संबंधित कुछ सामग्री भी दी गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से मतदान करवाएं। बाद में मैंने एक VC के माध्यम से संबंधित एक्सीएंस को और SDMs को निर्देशित कर दिया है, और उन रास्तों में सुधार के लिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।